अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चने की दाल की बर्फी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मैंने एक पैन लिया है, अब मैं इसमें चने की दाल डालूंगी। मैंने एक कप चने की दाल ली थी जिसे 4 से 5 घंटे मैंने भिगा के रखे थे। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप दूध। जितना हमने दाल लिया है उतने ही दूध लेना है। अब हम इसे फास्ट फ्लेम पर एक बॉईल आने तक पकाएंगे। देखिए इसमें बॉईल आने लगा है, दूध जो है पकने लगा है। अब हम फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे और दाल गलने तक इसे अच्छे से पकाएंगे। बीच बीच में इसे चलाकर चेक करते रहेंगे कि दाल जो है नीचे लगे ना। देखिए हमारी दाल जो है गल चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करने रख देंगे। अब ये ठंडी हो चुकी है, हम इसे जार में डालकर पीस लेंगे। इसे पानी डाले बिना पीसना है। अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिएगा पीसते वक्त। इस तरह से इसे पीस लेना है। अब एक पैन में मैंने 3/4 कप घी ली है। अब हम इसमें पीसी हुई दाल जो है वो ऐड कर देंगे। अब हम इसे भूनेंगे मीडियम लो फ्लेम पर। हमें इसे भूनना है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है इसलिए थोड़ा हमें सब्र से काम लेना होगा और यहीं खड़े होकर इसे भूनना होगा। अगर हम हट गए तो ये नीचे लग जाएगी और इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। देखिए इसे मैंने कंटिन्यू 20 मिनट तक इस तरह से मीडियम लो फ्लेम पर भूना है। इसका कलर भी आप देख रहे हैं हल्का सा चेंज हो गया है और इसे अभी हमें और भूनना है। कम से कम इसको भूनने में 50 मिनट तो लगते ही हैं। 50 मिनट तक हमें इसे कंटिन्यू ऐसे ही भूनना होगा, वरना दाल जो है वो उसमें एक कच्चापन रह जाएगा जिससे टेस्ट जो है बर्फी का वो अच्छा नहीं आएगा। अब दूसरी तरफ हम इसकी चाशनी रेडी कर लेंगे। मैंने 1 कप शक्कर ली है और इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर दूंगी और इसे जल्दी जल्दी मिक्स कर लूंगी ताकि जो शक्कर है वो नीचे लगे ना। अब जो शक्कर है वो अच्छे से घुल चुकी है। हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। अब हमें इसे इतना पकाना है कि इसकी 2 या 3 तार की चाशनी बन जाए। हमें गाढ़ी चाशनी चाहिए। चाशनी जितनी गाढ़ी रहेगी हमारी जो बर्फी है वो उतनी हार्ड बनेगी। तो आपको जिस तरह की बर्फी चाहिए उस तरह से आप चाशनी रखिएगा। मैं 2 तार की चाशनी बना रही हूँ। देखिए जो चाशनी है अच्छी गाढ़ी हो चुकी है। ये 2 तार की चाशनी मैंने बना दी है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे कि जो इलायची का पाउडर है वो चाशनी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब देखिए 50 मिनट मैंने इसे अच्छे से भूना है और इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से एक खुशबू आने लगी है।
अब हम इसमें चाशनी जो है हमारी वो डाल देंगे। चाशनी जो है वो गर्म होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है कि चाशनी गर्म हो जब हम इसमें डालें। अब हम इसे जल्दी जल्दी अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो दाल है वो चाशनी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और गैस का फ्लेम अभी भी मैंने मीडियम लो पर ही रखा हुआ है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश ली है। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ड्राई फ्रूट को। अब ये रेडी है, हम इसका गैस जो है वो ऑफ कर देंगे। एक प्लेट ली है मैंने, इसमें घी लगा लेना है अच्छे से ताकि जो बर्फी है वो नीचे चिपके ना, आसानी से निकल जाए। अब जो बर्फी का बैटर है वो हम इस पर डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे पूरी प्लेट में। अच्छे से फैला दिया है मैंने प्लेट में पूरा से। अब इस पे थोड़े से हम ड्राई फ्रूट छिड़क देंगे। और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, हम इस पे इस तरह के कट्स लगा लेंगे और इसे रख देंगे कंप्लीट जब तक ये ठंडा ना हो जाए। इसे एकदम ठंडा करने के बाद ही निकालेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा। देखिए अब ये कंप्लीट ठंडा हो चुका है, मैंने इसे 1-2 घंटे के लिए रख दिया था। अब मैं इसको आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से ये निकल रहा है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।